हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने व्लॉग बनाया है इस रेस्टोरेंट में के बारे में। तो ये खाना खाने के लिए कहा है, पर आम खाना पता खा रही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। और इधर चैट भी लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं। देखें यहाँ पर खाने की जगह साफ रखेंगे, सिंधी में लिखा हुआ है, सिंधी जुबान में, ठीक है। उर्दू भी मिक्स है कुछ, ज़्यादातर सिंधी में आता है। तो इधर आदमी खाना परोस रहे हैं, ये देखें, कुछ ले जा रहे हैं और कुछ कतार में बैठे हुए हैं। ये देखें, एक रोटी की टिक्की, दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पर मिलती है। ये देखें, बहुत ही हसीन यहाँ का मंज़र है। तो ये देखें जनाब, चावल भिंडी और रोटी वगैरह डाल दी गई है और हम सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने खाना खा लिया है। और ये देखें अंदर, यहाँ पर कुछ मूर्ति भी बनी गई है सत्यस्त्राम की। तो ये तो जनाब मैं अंदर पहुंच चुका हूं। ये देखिए अंदर का माहौल, ये सीन चंदीराम की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ के मशहूर पीर हैं और यहाँ के मजावर हैं सही घास के। तो जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं अपने तीन दोस्तों के साथ आया हूँ और चौथा मैं हूँ। और आगे हम आपको मंदिर का भी बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर मरतन बहुत खड़े हुए हैं खाना खिलाने के लिए। ये देखते हैं कुछ आदमी चाय पीने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमने भी खाना खा चुके हैं हम भी, और अब हम चाय पीने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। चाय पी कर हम आगे मेले की तरफ रवाना होंगे, तो आपको हम आगे की वीडियो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मंदिर की लेफ्ट वाली दीवार है, यहाँ पर चैट्स और मूर्ति लगी हुई हैं। तो ये सत्यस्त्राम की भी मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा, आप तकरीबन 6-7 किलो में यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा बनाया गया है। तो हम पहुँच चुके हैं 4 मूर्ति के पास। ये देखें यहाँ पर 4 मूर्ति वगैरह मौजूद है। ये देखें, तो वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो जनाब, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये देखें, बहुत ही बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगवाई गई है। ये देखें, और ऊपर भी इससे ज़्यादा ऊंची मूर्ति बनी है। ये देखें, आदमी कतार में यहाँ पर खड़े हुए हैं सत्यस्त्राम के बेटे सईदास को देखने के लिए और उसका दर्शन करने के लिए, उसके आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जनाब, मैं टली को खड़का कर अंदर की तरफ रवाना हो गया हूँ। ये देखें, शिव जी महाराज और शेरावाली माता की मूर्ति मौजूद है, उसे मैंने प्रणाम किया। और इधर सत्यस्त्राम ना शेरावाली माता और कन्हैया लाल की तस्वीर मौजूद है। और ये देखें, शिव जी महाराज की तस्वीर। तो यहाँ पर इस पर मैंने सलाम किया और बहुत ही नाइस मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। तो मेरा तो दिल करता है यहीं बैठा रहूँ, वापस जाने का भी दिल नहीं कर रहा अभी। तो फिर भी आगे मिलेंगे आगे और व्लॉग में, तो आगे फिर जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं वीडियो और बनाकर आपकी तरफ पहुंच सके। जनाब, तो ये वही मूर्ति है जिसे हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था। ये देखें, मैं यहाँ पर प्रणाम कर रहा हूँ। ये है सत्यस्त्राम महाराज की मूर्ति, जिसका ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। इसी की ज़ियारत के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखें,
बहुत अच्छे तरीके से सजावट, और इधर ओम भी लिखा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरे दोस्तों ने मेरी वीडियो देखी तकरीबन है। 5-6 बजे का वक्त हो चुका है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मेरे दोस्त ने कम्बल ओढ़ी हुई है और हम अब वापस जाने की तैयारी में व्यस्त हैं। और एक बार फिर हम प्रणाम करना चाहते हैं, प्रणाम करके फिर हम घर की तरफ रवाना होंगे। तो ये देखें, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो ये मंजर आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँगा। ये मूर्ति है बनाई हुई है शेरावाली माता और शिव जी महाराज की। ठीक है, हम दोबारा प्रणाम करके घर की तरफ रवाना होंगे। ये देखिए, कुछ आदमी आ रहे हैं घंटी बजाकर, कुछ वैसे ही आ रहे हैं। और ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ आया है। तो वीडियो को ज़रूर गौर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, आदमी प्रणाम कर रहा है यहाँ पर। तो आगे हम जाने की वीडियो भी आपको हम दिखाते हैं। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ प्रणाम करने के लिए। ये मेरा कज़न गया है, इसके बाद मैं जाऊँगा प्रणाम करने के लिए। ये देखिए, इसे सर्दी लग रही है, इसने जैकेट भी पहना हुआ है और सर पर कपड़ा बांधा हुआ है। SSD सदस्यराम सिंह डैरकी वाले, उनकी SSD का मतलब यही है। तो ये देख, मेरे दोस्त और दूसरा दोस्त भी यहाँ पर बैठ चुके। और ये मंदिर का बाहर वाला हिस्सा है, ये देखें, SSD सदस्यराम डैरकी वाले, सिंध में ये पीर मौजूद है, पंजाब बॉर्डर और सिंध के आगे। ठीक है, डरकी में मौजूद है यहाँ पर आगे। और एक रेड की का मंदिर है, अगले व्लॉग में हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पर। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। आप देख रहे हैं, सुबह का वक्त हो चुका है और अब हम घर जाने की तैयारी करने लगे हैं। तो हम बाहर की तरफ आ गए हैं और दोस्त मेरा गाड़ी लेने के लिए अंदर गया है, गाड़ी लेकर आएगा और हम चले जाएंगे। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सादगाबाद तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मोटरसाइकिल बहुत गर्म ज़्यादा हो गया है। इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए 10-15 मिनट यहाँ पर हम रुके हैं। तो इधर देखें, यहाँ पर स्टोर है तो हम यहाँ पर दवाई भी लेंगे हमारे दोस्त की। तो ये है रिपोर्ट, वहाँ से हमने रिपोर्ट उठाई थी और यहाँ पर से दवाई लेंगे। और यहाँ पर हम हाईवे पर खड़े हुए हैं, तो अभी शुगर मिल क्रॉस करने वाले हैं हम। तो ये देखें जनाब, हम हाईवे रोड पर आ चुके हैं और ये देखें वापस जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा गाड़ी से फिर से भगा रहे हैं। अपने शहर में पहुंच चुके हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।